सी रैंडम वेरिएबल में फर्स्ट सम कर दें एंड सेवेंथ सम कर दें, वन से सेवन पर पूरा वही चांस है, वन से सेवन तक पूरे वही करना है और लास्ट वाला ट्वेल्थ भी वही करना है। आठ सम तो वही टाइप के पूरे क्या है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी लेना, एक वैल्यू ढूंढना, फिर मीन पूछता नहीं तो वेरियंस पूछता, कहाँ से कहाँ तक, वन टू सेवन और ट्वेल्थ। अब बचा बीच में चार सम, एट नाइन टेंथ इलेवन, एट नाइन जैसे बता रहा हूँ टेंथ इलेवन सेम है, उसमें एक फॉर्मूला यूज है वो क्या है देखो, ये चार सम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, हम बाइनोमियल थ्योरम में यूज करे थे, बाइनोमियल एन सी आर लेते तो आर के जगह हम के लिखे तो के लेंगे, एन सी के पी पावर के बाई टू क्यू पावर एम माइनस के, एन सी आर में लेते बाइनोमियल थ्योरम में क्या रहा था फॉर्मूला, एन सी आर इंटू पी पावर आर इंटू क्यू पावर एम माइनस आर लो के लो, ये फॉर्मूला है। पी क्या है, पॉजिटिव आउटकम्स, कभी भी पी को पॉजिटिव लेते हैं, क्यू को उसके अगेंस्ट, यानी विनिंग मैचेस वन बाई टू वन बाई थ्री है समझो, तो लूजिंग टू बाई थ्री है, क्यों तो वन बाई थ्री है तो क्यू टू बाई थ्री क्यों है, बिकॉज पी प्लस क्यू विल बी वन, विनिंग रो लूजिंग रो ऐड करे तो वन, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी ऐसे, ये P कभी भी हम पॉजिटिव को लेते हैं, क्यू नेगेटिव को लेते हो तो नॉट कमिंग ऐसा। तो अभी क्वेश्चन है, वन इन नाइन शिप्स, तो टोटल N इज नाइन, नौ शिप है तो N नाइन है। अब ब्रेक बोल तो सेल पे बोल तो पानी में भिजा है सेल पे, तो ब्रेक बोल तो कुछ को मार लग के आना, खराब होके आना, कितने शिप्स के चांस है जो हम भिजाते हैं पूरे अच्छे के अच्छे वापस आएंगे, कुछ भी रिपेयर करने का जरूरत नहीं रहेगा, वो अलग है। वन इन नाइन शिप्स इज लाइकली टू बी ब्रेक, नाइन शिफ्ट में से वन तो लाइकली टू बी ब्रेक है, उन्हीं बोल रहे खराब होने के चांस कितने हैं, नौ में से वन बाई नाइन। तो अगर हम पी ऐसे हरदम ऐसा नहीं कि पी को पॉजिटिव लेना, अगर देखो अभी लाइकली टू बी ब्रेक है तो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो P को मैं 8 बाई 9 लेना चाहिए एक्चुअली, अच्छे शिफ्ट जो आने वाले हैं, और Q को 1 बाई 9, लेकिन तुम्हारे बुक में P को ये Q को ये लेके कैसे रहेगा, आंसर सेम ही आएगा, आंसर विल बी सेम, समझे। तो लेकिन कभी भी जो क्वेश्चन में देता ना उसको हम P लेने का कोशिश करते, तुम्हें वो चेंज करके देखना है तो करो, आंसर आएगा तो 1 बाई 9 यानी और ये नाइन शिफ्ट इज लाइकली टू बी ब्रेक, और फिर क्यू कितना रहेगा, क्यों तो पी प्लस क्यू इज ऑलवेज वन, तो ये दिया नहीं लेकिन हम निकाल लिए। व्हेन दे आर सेट ऑन सेल, व्हेन सिक्स शिप्स आर ऑन सेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट वन विल अराइव सेफली, ये तो पी और क्यू ढूंढने के लिए दिया और क्वेश्चन में वो दे दिया, लेकिन अभी क्या बोल रहा हूँ, शिप्स कितने भेजूंगा बोल रहा हूँ, सिक्स, सुना है कितने भेजेंगे, सिक्स शिप्स जब बोल रहा तो एन हमारे लिए सिक्स रहेगा, एक्चुअली ऐसे तो पी और क्यू निकालने के लिए नाइन था, बट जब क्वेश्चन फर्स्ट बिट के लिए बोल रहा था सिक्स शिप्स की बात ही चल रही तो एन हमारे लिए सिक्स ही रहे, तो एटलीस्ट वन विल अराइव सेफली, बोल तो क्या होना मालूम, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स greater than or equal to 1 and 1 भी safely आ सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी ये पूछ रहा हूँ फर्स्ट बिट, बोल दो फर्स्ट बिट ये पूछ रहे हैं कितना करना, बोलो 1 करना, तो फॉर्मूला कितने बार लगाना पड़ता, 2 3 ये तो फॉर्मूला है, 4 कितना टाइम वेस्ट होता ना, इसका और एक एक वे 5 सिक्स, छः बार करना ऐसे फॉर्मूला में करना, फिर ऐड करना, लंबा है पर लिखना एग्जाम में, ग्रेटर देन इक्वल टू वन बताओ, वन शिफ्ट सेफली आने के कितने चांस है, दो शिफ्ट आने के कितने चांस है,
एटलीस्ट वन का मतलब पूरे छह के छह शिफ्ट भी, हाँ सर एटलीस्ट वन का मतलब ही तो वही है। तो इसको ऐसे करना, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एक भी शिफ्ट सेफली नहीं आने के चांस जीरो, बोल दो पूरे छह के छह ब्रेक लो क्या ये, क्यों बोल दो प्रॉब्लिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां से लेके सिक्स तक का टोटल प्रॉब्लिटी कितना रहता वन, तो मैं वन में से वो जीरो वाला सबट्रैक्ट कर दे रहा हूं तो इनका आ जाता सम ऑफ द प्रॉब्लिटी इज वन, तो ये एक ही कर लेता हूं बस। तो मैं क्या किसको लिया, तो वन माइनस ये फॉर्मूला लगाना है इसमें, तो एन हमारे लिए सिक्स है, तो सिक्स सी के हमारे लिए क्या है यहाँ जो रहता क्या है जीरो, सिक्स सी जीरो पी हम क्या लिए वन बाय नाइन पावर जीरो, एट क्या लिए क्यू क्या लिए एन कितना है सिक्स माइनस जीरो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सिक्स सी जीरो इज वन, एनीथिंग की तो पावर जीरो इज वन, एट बाय नाइन होल पावर सिक्स। सो अब एक्सपेंड करते मत बैठो, करना है तो करो, वन माइनस कितना है वो बराबर था सर पी एट बाय नाइन ही था, पी एट बाय नाइन ही लेना, यानी पी को कभी भी पॉजिटिव लेना, या तो फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करना, ये एक्चुअली पॉजिटिव वाले को ही पावर के रहता, वो क्लैरिटी रखो, पी को रहता ऐसा नहीं है, पावर के इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव यानी जो अच्छे अच्छे आएंगे वापस रिटर्न, ये खराब वाले आएंगे, अगर तुम ये क्या है खराब वाले को वो पी लिए तो तुम्हारा पी का पावर वो बन जाएगा, पी का यानी पी का पावर के ले रहेगा फिर तुम क्यों, तो पी तुम किसको लिए अच्छे वाले को लिए खराब वाले को, वन बाय नाइन क्या है लाइकली टू बी ब्रेक, यानी खराब वाले को लिए तो यहाँ पी लिख के भी लेकिन पावर ये बन, यानी n माइनस के पावर किसको है n माइनस, यही नहीं समझ रहे तुम, ये सम की बात नहीं कर रहे जनरली बता रहा हूं, अब तुम ये समझ जो n माइनस के जो पावर में डालते हैं वो खराब वाले को डालते हैं, बस वो अगर क्लैरिटी है तो हम फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, अभी वन माइनस एट माइनस रखने से कुछ भी नहीं है, लेकिन जो खराब वाला लिए उसका पावर चेंज होगा, तो उसका पावर क्या होगा, तो ये खराब वाला लिए तो इसका रहेगा n माइनस के का पावर और इसका रहेगा k का पावर, ठीक है ये अच्छे वाले शिफ्ट से, तो 1 बाय 9 6 इनटू 1 1 बाय 9 पावर 6 9 पावर 6 करना तो करो ना कभी, अब सेकंड क्या पूछा एग्जैक्ट एक ही आंसर पूछा, प्रॉपर्टी ऑफ एग्जैक्ट 3 शिफ्ट, 3 शिफ्ट से पूछा, तो सिर्फ ये ही ढूंढना है इधर एटलीस्ट, वो तो इतना ढूंढने से अच्छा ये ढूंढना, अब वापस ये फॉर्मूला n क्या है 6 सी 3 k हमारे लिए 3 है और हम p किसको लिए खराब वाले के लिए तो पावर उसका n माइनस k वाला रहेगा तो 6 माइनस 3 8 बाय 9 पावर 3 6 सी 3 का आंसर 6 into 5 into 4 by 3 into 2 into 1 1 by 9 cube into 8 cube by 9 cube 20 into 8 cube by 9 power 6 solve karna hai to kar sun le ha to tumhare upar ab ye same aise hi iske aise ab pure wahi bola na ये फॉर्मूला, इसमें क्लैरिटी ले लिए कि पॉजिटिव वाले का पावर मतलब तो जो अच्छे आंसर आने का है उसका पावर हम के लेंगे और जो खराब आने का है उसका पावर एन माइनस के, तुम पी किसको ले हो क्यू किसको ले हो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब कभी भी कॉइन टॉस करें तो दो हेड आने के कितने चांस रहते हैं, वन बाई टू, टेल आने के, तो इसमें पी और क्यू दोनों वन है वन बाई टू है, तो इसमें फॉर्मूला में कितना भी चेंज करो कोई मतलब नहीं, तो सेम ही है, p भी 1/2 है q भी 1/2 है,
हेड आने की चांस, x denotes the number of heads, तो heads का क्वेश्चन है, head आने की चांस 1 by 2 है, नहीं आने की चांस 1 by 2, sum of the probability करे तो 1 आने, अभी भी p और q का total करे तो 1 ही आने, sum of the probability is 1, आने के चांस, नहीं आने के चांस, अब करना क्या है, उन बोल रहा है ये जो 3 है, x equal 4 ये, r ही नहीं p, तो उसको ap में है, तो तुम्हारे को मालूम है, ap में है तो कैसे लिखना, middle का 2 times, is equal to sum of the first and last, r in a, b, उन्हीं दिया, तो 2 times probability of x is equal to 5, is equal to probability of x is equal to 4, plus probability of x is equal to 6, इसमें n नहीं मालूम, वो ही ढूंढना है, n नहीं मालूम, formula तो मालूम, वो formula, तो 2 times तो लिखना है, वो तो है, a, b का formula है, middle का 2 times is equal to this plus this, a, b में वो तो ऐसा लिखते, क्या लिखते हैं अभी मैं तो 2b is equal to a plus c so x is equal to 5 को nc 5 k हमारे लिए 5 है k और p पॉजिटिव वाला ही ले रहे तो उसका पावर 5 रहेगा और q नेगेटिव वाला है उसका n minus k तो n नहीं मालूम n मालूम क्या वो ही ढूंढना है इधर भी लगाएंगे nc4 1 by 2 whole power 4 1 by 2 whole power n minus 4 nc6 1 by 2 whole power 6 1 by 2 whole power n minus 4 अब सॉल्विंग करेंगे nc5 तो वैसे रहने दो बेसिस सेम तो ऐड कर सकते पावर तो 1 by 2 को पावर n आ जाएगा प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल बेसिस सेम वी कैन ऐड पावर्स ना इधर 1 by 2 power n 4 4 चल जाता है इधर 1 by 2 power n इधर से 1 by 2 power n common लो दोनों तरफ 1 by 2 power n cancel solving करना है हो गया sum तो ये आने के chance कम है बहुत छोटे छोटे sum है ये भी ये चलेंगे अब solve करो permutation combination से इसे कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला लगा मालूम है फॉर्मूला फॉर्मूला कितना कम करना वाला हूँ एन सी फाइव बोल दो एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर फाइव टाइम उतरना बाई फाइव फोर थ्री टू एन सी फोर को फोर टाइम्स n n minus 1 n minus 2 n minus by 4 3 2 1 plus n c 6 को 6 times तक उतरना n n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 n minus 5 हो गया 6 हो गए ऐसे नहीं कि 6 तक जाना 6 times हो गए by 6 5 4 3 2 1 अब देखो कैंसिलेशन कैसे हो जाएगा ये इसमें से इसमें से ये चार तो कॉमन ले सकते हो वो इधर इधर कैंसिल हो जाएगा आंसर आ जाए तो ये ऐसे ही लिखो एज इट इज इधर कॉमन क्या है एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डिनोमिनेटर में भी कॉमन है फोर थ्री टू वन क्या बचा ये चार कॉमन लेते दो बचा ये सॉल्विंग बड़ा है बाकी का सम तो इजी है तो 6 और 5 बचा सो ब्रैकेट फॉलो कॉमन लेंगे तो इधर 1 बचेगा और इधर ये सेम लिखना तो पड़ेगा कैंसिलेशन करना है n minus 1 n minus 2 5 4 3 2 1 4 3 2 1 लिया n n minus 1 n minus 2 अब सॉल्विंग करना है 2 by 5 बचा इसको मल्टीप्लाई करना यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग करना n के दो वैल्यू है वो ये है कैसे करें तुम लोग स्टार्ट कर दो तो कितना बचा इधर इधर कितना बचा 2 by 5 इज इक्वल टू में क्या बचा है इधर
ये भी है इधर 630 है, 31 से 30 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसको एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 बाई 30 5 6 6 2 12 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12n माइनस 48 30 पूरा एक साइड लाके इक्वेशन बन जाएंगे पूरा एक साइड लाए तो n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 12 माइनस 21 n 30 प्लस 20 50 प्लस 48 98 अब स्प्लिटिंग करो 98 बोल तो किस पे जाता हाँ एलसीएम लेके मालूम कर सकते हैं 14 7 जा तो 14 n माइनस 7 n n कॉमन n माइनस 14 माइनस 7 कॉमन n माइनस 14 n माइनस 14 कॉमन थोड़ा बड़ा ही है सॉल्विंग तो n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 14 सॉल्विंग में टाइम लग जाता है इसलिए बड़ा हो गया सर समझ गए चैप्टर इज ओवर 8th और 9th राइट जैसा करें 10th 11th एज इट इज यही फार्मूला यूज करना है कौन सा वाला फार्मूला सर ने 10th 11th और 12th पहले के यूज कर ले लिप्स चार्ट करते